बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूज़फुल से स्पक की रेमेडी आपको देने जा रही हूँ। इसका जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है जी मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए मेथी दाना और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी बेसन ग्राम फ्लोर और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी जी चावलों का आटा यानी कि राइस फ्लोर। इंग्रेडिएंट है इसका जी दही, दही हम हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, इसकी मिक्सिंग करके पता चलेगा कि हमें और कितना दही शामिल करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब के तौर पे काम करता है और टोनर के तौर पे भी काम करता है। आपकी जो डेड स्किन हुई होती है वो बिल्कुल जो है निकाल देता है और बहुत ही स्मूथ सिल्की सी जो है स्किन हो जाती है। नेक के ऊपर, फेस के ऊपर, बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्मफुल किस्म के इसमें चीज़ें शामिल नहीं हैं। आम जो हमारी किचन की चीज़ें होती हैं उसी से ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब जो है और स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें चंद कतरे जो हैं आमंड ऑयल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मौसम चेंज होने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डल हुई हुई है, तो मैं ये स्क्रब बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। इसको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ आपको। अगर आप फेस पे इसको अप्लाई कर रहे हैं या हेड पे अप्लाई कर रहे हैं या नेक पे कर रहे हैं, उसको पहले क्लीन ज़रूर कर लें, तभी इसके जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन आपने इसको बना के नहीं रखना, आपने इसको फ़ौरन यूज़ करना है। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए दे रखना है और फिर आपने इसको यूज़ करना शुरू कर देना है। क्योंकि मैंने इसमें शामिल किया है जी मेथी दाना, मेथी दाने में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और ये बहुत लेस ही छोड़ देती है। अगर आपने इसको फ़ौरन यूज़ नहीं किया तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो बस इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। ड्राई नहीं करना आपने स्किन को, बस 2-4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है अपने हैंड पर या फेस पर और फिर आपने अपनी जो स्किन है वो वॉश कर लेनी है। तो मैं इसको वॉश करके भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं वॉश करके ले आई हूँ हैंड। आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा इससे। एक तो ये है कि राइस फ्लोर जो है वो बहुत एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके अलावा मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी फ़ौरन बेनिफिट आपको देता है। और तीसरे नंबर पे बेसन ग्राम फ्लोर, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। आप देख सकते हैं आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। अभी मैंने इसको ज़्यादा देर अप्लाई नहीं किया, थोड़ी देर के लिए किया है और फिर आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारा स्क्रब बिल्कुल रेडी है। वैसे तो ये तमाम ऑल टाइप स्किन के लिए है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप चाहें तो आमंड ऑयल या और कोई ऑयल जो है वो डाल सकते हैं इसमें। इस गर्मी है तो ऑलिव ऑयल मत डालिएगा, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जोजोबा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में। इसको वीक में आपने कम से कम 2 टाइम ज़रूर यूज़ करना है, फिर इसको आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। और डेड स्किन का जो जो डेड स्किन होती है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव हो जाती है, लेकिन कम से कम आपने हफ्ते में 2 मरतबा इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करके मुझे बताइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये स्क्रब कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।